नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विपुल कौशिक फिर से हाजिर हूँ आपके लिए निफ्टी एनालिसिस सीरीज की एक नई वीडियो लेके। और जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि जब भी कोई अच्छी मूवमेंट होगी, बहुत ज़्यादा खास कारण हो हमें निफ्टी डिस्कस करने के लिए, उसके बेसिस पे हमने निफ्टी एनालिसिस सीरीज की वीडियोज़ बनाई हैं जो आपको डालता रहूँ। दोस्तों, 2 दिन मैंने ये वीडियो जानबूझ के नहीं डाली, क्योंकि आप देखेंगे जो मैंने 400 के बाद से जो रिट्रेसमेंट लेवल मैंने डिस्कस किए थे आप लोगों से, और आज 700 का लेवल टच हो गया है। ऑलमोस्ट 690 से ऊपर निफ्टी ने ट्रेड किया है, जो मेरे लेवल ऑलमोस्ट पूरे हो जाते हैं। तो मुझे लगा कि आज एक बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल मोमेंट है जो मुझे डिस्कस करना चाहिए, ताकि आगे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, क्योंकि एक्सपायरी बहुत पास है, मई की 3 दिन उसमें बचे हैं। तो इसलिए हम ट्रैप ना हो, इसलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, यहाँ मैं सिर्फ अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं चाह रहा हूँ कि आप मेरे ही कहे से काम करें, पर अगर आप उसको लाइक पसंद करते हैं तो अपने ब्रोकर की सलाह भी ले लें और अपने एनालिस्ट की सलाह भी ले लें, तो ट्रेड करने में बेहतर मज़ा आएगा आपको। या मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, आपकी ज़िंदगी जैसा चाहें जी सकते हैं, ये मेरा टैगलाइन है दोस्तों। और आपको अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से ही जीना चाहिए। दोस्तों, अगर मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको उस हर नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस नॉलेज को आगे बढ़ाने में फैलाने में कोई भी एतराज़ नहीं है। मुझसे संपर्क करने के लिए मेरे व्हाट्सएप डिटेल्स आपके सामने हैं, मेरी ईमेल डिटेल्स आपके सामने हैं दोस्तों। और आज का निफ्टी एनालिसिस वीडियो रहेगा 28 मई का दोस्तों, ठीक है। चलिए, हम आपको अब डायरेक्ट ले चलते हैं अपनी निफ्टी की स्क्रीन के ऊपर। ये बात क्या बात है दोस्तों, लेकिन निफ्टी हमने यहाँ मैंने फिबोनाची को यूज़ किया है आज, और उसको मैं आपको बता रहा हूँ कि निफ्टी यहाँ 412 के आसपास का लो लगाने के बाद निफ्टी ने जो रिट्रेसमेंट दिखाई है, जैसे मैंने आपको कहा था दोस्तों कि 538 के आसपास का बहुत मेजर लेवल है जिसको क्रॉस करें और सीधा निफ्टी 600 या 700 का भाव देगी। और निफ्टी ने 600 का भाव भी क्रॉस किया है, 600 जो 61.8% रिट्रेसमेंट था, और अब निफ्टी 700 की तरफ बढ़ चुकी है, 734 की तरफ बढ़ चुकी है। अब यहाँ देखने वाली बात है, डेली चार्ट के ऊपर आप देखेंगे दोस्तों, ये एक हफ्ते की गिरावट के बाद 2 दिन लगातार जो तेजी आई है, आज उस तेजी का बहुत ही बढ़िया दिन देखने को मिला और 700 के लेवल यहाँ टच हो गए। और इसमें हम ये वनडे चार्ट है, चलिए इसको 15 मिनट चार्ट में ले आते हैं कि 15 मिनट चार्ट में एक्चुअली बाजार में क्या हुआ है। 15 मिनट चार्ट में दोस्तों अगर देखने की कोशिश करें, चलिए हम इसको जरा एक बार रिमूव कर लेते हैं फिबोनाची को, ताकि हमें अच्छे से चीजें समझ में आए। चलिए, अब हम देख रहे हैं दोस्तों कि इसमें हम थोड़ी सी चार्ट की सेटिंग को ठीक कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई अच्छे से दे। देखिए दोस्तों, ये निफ्टी का चार्ट है, अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो जो बाइंग का सिलसिला है मेरे हिसाब से, ये रेड कैंडल आप देखिए, छोटी सी रेड कैंडल आपको दिखाई देंगी, दो छोटी रेड कैंडल। मेरे हिसाब से निफ्टी ने आज प्रॉफिट बुकिंग का सिलसिला वापस स्टार्ट कर दिया है, और हो सकता है जो जो सिग्नल्स हैं वो भी बेयरिश सिग्नल स्टार्ट हो गए हैं, हो सकता है निफ्टी में यहाँ से सेलिंग आ जाए दोस्तों। तो अब आपको यहाँ पे ट्रैप होने की ज़रूरत नहीं है, जो 400 से प्लस किया हुआ बाजार था आप उससे मेरे हिसाब से निकल जाए तो बेहतर रहेगा। आप इसमें कोई फ्रेश पोजीशन ना बनाए, क्योंकि एक्सपायरी है, एक्सपायरी में आपको वैसे भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, 2 दिन बचे हैं। मैं कभी एक्सपायरी के आसपास ट्रेड नहीं लेता हूँ, ये रिक्वेस्ट मैं आपसे भी करूँगा कि एक्सपायरी के आसपास ट्रेड ना लें। चलिए दोस्तों, ये देख लेते हैं कि बाजार में FIs क्या कर रहे हैं, जो हमने इसमें ऐड किया था दोस्तों। FIs लगातार बेच रहे हैं, 28 मई आज की तारीख है, आज भी FIs ने 800 करोड़ के आसपास का माल बेचा है दोस्तों, बाजार बढ़ रहा है, FIs माल बेच रहे हैं। देखिए, FIs इसका मतलब बहुत ही सेफ एग्जिट लेने में लगे हुए हैं, जबकि हमारे DIIs आज भी बाइंग कर रहे हैं। ये DIIs क्यों बाइंग कर रहे हैं, FIs क्यों बाइंग नहीं कर रहे हैं, इसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, पर अभी हम इस पर नहीं जाएंगे। आने वाली वीडियोज़ में उसकी चर्चा भी जरूर करेंगे कि FIs की बाइंग से क्या होता है, DIIs की बाइंग से क्या होता है, और FIs DIIs की बाइंग को पहचाने कैसे। यहाँ एक साधारण शब्दों में अगर देखने की कोशिश करें तो दिखाई दे रहा है कि FIs माल बेच रहे हैं, DIIs खरीद रहे हैं। इसका मतलब देखो, ट्रेड तभी होता है जब कोई बेचता है और कोई खरीदता है, उससे पहले ट्रेड को ट्रेड नहीं कहा जाता। तो इसलिए FIs तो माल बेच रहे हैं, जिनकी वजह से हम हमेशा ही मानते आए हैं कि बाजार जब बढ़ता है, जब FIs का पैसा उसमें आता है, जब FIs में बाइंग करते हैं, क्योंकि वो लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं। DIIs हमारे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, जो म्यूचुअल फंड्स हैं, LIC है, UTI है, और बहुत सारे फंड हाउसेज हैं जो इसमें बाइंग कर रहे हैं, उनको तो बाइंग करनी ही करनी है, उनके पास कोई चारा नहीं है बाइंग करने के अलावा। बट FIs का निकलने का संकेत मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में अच्छा संकेत नहीं है दोस्तों। और मैं आज पढ़ भी रहा था कहीं पे कि बहुत सारे IPOs पेंडिंग है, जिसकी कुछ कुछ वैल्यू
कुछ 35,000 करोड़ के आसपास की नेट वैल्यू आने वाली है जो आईपीओ आने वाले हैं। दोस्तों मैं आईपीओ को और बाजार से रिलेट करके एक और नया वीडियो बनाऊंगा जिसमें बहुत चौंका देने वाले तथ्य आपके सामने रखूंगा। मुझे लगता है कि जब भी एक बड़ा आईपीओ आता है बाजार धराशायी हो जाता है अगर वो आईपीओ आने लगे। ठीक है, तो 12-15 आईपीओ वेट कर रहे हैं, वो कौन से होंगे उन पर हम जरूर चर्चा करेंगे आने वाले टाइम पे। तो मैं इस एफआई के डेटा को देख रहा हूँ तो लगातार सेलिंग मेरे लिए थोड़ा सा कंसर्न का फैक्टर है, पर अभी कुछ नहीं कहते। अभी हम जो डेली चार्ट हमारा दिखा, और देखिए दोस्तों हम ऑप्शन इंटरेस्ट चार्ट को भी अगर देख लें तो यहाँ पे दिन में एक टाइम आ गया था जब 10,600 पे भी 12-13 लाख की ऑप्शन राइटिंग हुई थी, पुट राइटिंग हुई थी, और 650 भी अभी दिखाई दे रहा है कि 650 के ऊपर एक अच्छा सपोर्ट क्रिएट किया गया है, 600 के ऊपर भी एक अच्छा सपोर्ट क्रिएट किया गया। मतलब 600 से नीचे बाजार को नहीं देख रहे हैं, 650 से नीचे भी नहीं देख रहे हैं, 700 के ऊपर भी एक अच्छा खासा ऊपर इंटरेस्ट ऐड देखने को मिला है, बट थोड़ा सा कम हुआ है। दिन में मैंने इसको देखा था कि कुछ 12-13 लाख 14 लाख तक चला गया था। 3 दिनों में ओपन इंटरेस्ट की बड़ी जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है पुट साइड में। जैसा कि मैं इसको हमेशा कॉन्ट्रेरियन इंडिकेटर मान के चलता हूँ, तो आज फिर से पुट्स में ओपन इंटरेस्ट हावी है, जो मेरे हिसाब से एक फिर से हेजिंग हो रही है। माल खरीदा जा रहा है और पुटे राइट की जा रही हैं। आने वाला जो अब आज से वीक स्टार्ट हुआ है, देखने वाला होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों कि बाजार किस करवट बैठेगा, किस करवट निफ्टी ट्रेड करने वाली है। तो मेरे हिसाब से निफ्टी में वापस से प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो रही है। जो 400 के लेवल से आई थी 300 पॉइंट निफ्टी चल चुकी है, बहुत होता है निफ्टी का 300 पॉइंट चलना 3 दिन के अंदर में। आखिरी 3 दिन में क्या करने वाली है वो निफ्टी की डेली चाल बताएगी। आज का वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बने रहें, ऐसे ही प्यार देते रहें, ऐसे ही प्रोत्साहन देते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।